करेंगे पैटर्न्स। आपकी बुक से करवा रही हूँ, पेज नंबर बुक में पेज नंबर 6 पे है, क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ मैं। पैटर्न क्या है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 327, 337 एंड 347। अब अपने को देखना है कि किस तरीके से करवाया हुआ है, ये कैसे किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने को आगे सोल्व करना है। अब देखो यहाँ क्या है, 327 और 337 दोनों में कितना डिफरेंस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाला सेकंड नंबर अपने को दे रखा है 337, इसमें से क्या करेंगे माइनस 300। फर्स्ट वाले जो नंबर दे रखा है फर्स्ट डिजिट सारा क्या आपको माइनस करेंगे, 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, क्या आ रहा है यहाँ 10। कितनी का डिफरेंस है दोनों में, 10 का। तो अब अपन ने पता लगा लिया यहाँ 10 का है, अपन प्लस करेंगे तो भी आपको एक बार ये माइनस करके देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे आगे 10 प्लस करते थे 27 है, इसमें 10 प्लस किया 37 आया, अब 37 में 10 प्लस किया 47 आया। अब जैसे ये क्या है 347 में अपन प्लस करेंगे 10, 7, 4 प्लस 1 5 एंट्री क्या आ गया 357। ये क्या राइट करेंगे अपन 357। अब पता है देखो 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 10 प्लस करेंगे अपन 7, 5 प्लस 1 6 एंड 367। क्या राइट करेंगे 367। ऐसे फिर 10 प्लस करेंगे 377। क्या राइट करेंगे 377। आपको यहाँ 5 नंबर राइट करने हैं सॉल्व करके। अब वापस वही करेंगे अपन 10 प्लस करेंगे 7 7 प्लस 1 8 एंड 387। क्या राइट करेंगे 387। 10 प्लस 387 10 प्लस करेंगे 7 8 प्लस 1 9 एंड 3 क्या आ रहा है आपके पास 397। 397 इसी तरह से आपको सारे पैटर्न सोल्व करने हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं, सारे एक जैसे नहीं होंगे। कितने का डिफरेंस है पता करने के लिए क्या किया अपन ने, सेकंड नंबर जो दे रखा है उसमें से फर्स्ट नंबर को प्लेस किया, माइनस किया, माइनस करने में पता लगा 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो सब में 10 ऐड करेंगे, आगे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो अपने पास सारे डिजिट आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट ए करने के बाद में बी के लिए आपको क्या करना है, 1 लाइन गेप करना है। अगर आपकी एक लाइन में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आपको 1 लाइन गेप करना है। क्वेश्चन नंबर बी, 535 535 525।
यहाँ देखो क्या है 530। अब यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है, कम हो रहा है पीछे, तो क्या करेंगे 35 में से 30 यानी 535 में से 530 लेस करेंगे। 535 माइनस 530 कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, कितने का आ रहा है 5 का, तो क्या करेंगे अपन 5 पर सब में यहाँ माइनस हो रहा है, प्लस नहीं होगा, यहाँ सब जगह माइनस ही होगा, लेस करना होगा। जैसे यहाँ आ रहा है 535, 5 लेस हो गया, अब 5 इसमें से और लेस करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 500, देखो बता दूँ मैं आपको 530 माइनस 525। अब यहाँ 5 में से 0 जा रहा है, नहीं 1 बोरो लेंगे, कितने बने 10 माइनस 5 यहाँ 2 माइनस 2 0 क्या आ रहा है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या क्या होगा यहाँ 525। अब 525 लेस नंबर क्या आएगा, क्या करेंगे क्या करेंगे अपन 5 लेस कर देंगे फिर से, तो क्या आ जाएगा यहाँ अपने पास 520। अब तो ऐसे भी कर सकते हो नेक्स्ट नंबर जैसे 525 में इसमें से ओनली 5 प्लेस कर दिया, 5 माइनस 5 0 का 2 और 5 का 5 आगे ये नंबर अपने पास, अब इसे 5 प्लेस करेंगे यहाँ 10 माइनस 5 1 और 5 का 5 क्या आ रहा है 515। नेक्स्ट 515 क्या लेस करेंगे, 5 का डिफरेंस आया तो 5 ही करेंगे, 5 माइनस 5 0 1 का 1 एंड 5 का 5 क्या ये 510। अब 510 में से क्या करेंगे फिर से 5 लेस करेंगे क्योंकि अपने डिफरेंस 5 का ही है, 0 माइनस 5 नहीं होता, 1 बोरो लिया 10 माइनस 5 यहाँ क्या है अपने पास कुछ भी नहीं है 0 5 का 5 फिर लेंगे 5 माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0 0 का 0 और 5 क्या ये 500। ऐसे नेक्स्ट पैटर्न सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर सी 116 170 and 180 सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को प्लेस करेंगे 170 माइनस 160 0 माइनस 0 0 7 माइनस 6 1 1 माइनस 1 0 कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने 10 का, कितने का आ रहा है 10 का, तो यहाँ देख सकते हो आप 160 इसमें 10 प्लस करेंगे तो 170 आएगा, यहाँ 10 प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अब देखो 180 में 10 प्लस करना है, 0 प्लस 0 0 8 प्लस 1 9 1 का 1 क्या है ये 190, तो क्या राइट करेंगे आप 190 इसे 10 प्लस करेंगे 190 में 10 प्लस किया 0 प्लस 0 0 9 प्लस 1 10 10 प्लस 0 1 अपने 1 प्लस 1 2 क्या ये 200 क्या राइट करेंगे 200। अब 200 प्लस 10 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 एंड 2 210 में फिर से प्लस करेंगे 10 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 2 2 क्या आएगा यहाँ 220। अब 220 प्लस 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 3 एंड 2 क्या है ये 230।
क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। सबसे पहले गिव का टाइम 111, 116, 121। इसमें भी आपको न्यू नंबर 5 बनाने हैं खुद को। 111। नेक्स्ट नंबर क्या है 116। अब देखो क्या है सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर पर प्लेस करेंगे 116 माइनस 111। 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 0 5। क्या है डिफरेंस कितने का आया 5 का। अब देखो 111 में अपन 5 ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया 116 माइनस 111 कितनी का डिफरेंस आया हमने 5 का। ये क्वेश्चन डी वाला क्वेश्चन और ई नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा आपके ई, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि क्या होगा। मैंने आपको बताया यहाँ सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को लेस करना है, जितने का डिफरेंस आ रहा है आगे उसमें ऐड करना है यानी प्लस करना है। ये आपके पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन नंबर 5। इसका ए बी सी डी मैंने आपको ए बी सी मैंने सॉल्व करवाया है, डी और ई आपको खुद सॉल्व करना है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ए टू ई नॉन मूवमेंट नीट एंड क्लीन राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू।